चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जेकर मैं इतना तो जान गया हूं जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। क्यों रोमांटिक है टीजर, कैसा है फिल्म के गाने का टीजर। स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम को देखने के लिए लाखों दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की हर एक झलक को देख पिछले दिनों प्रभास और पूजा का टीजर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसी बीच अभिनेता ने फिल्म का एक और नया टीजर जारी किया है जो रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो रहा है। और वैसे ये आप और हम बड़ी बखूबी जानते हैं कि जब भी किसी बड़े स्टार ने छोटी सी चीज पोस्ट की हो तो फैंस की दुनिया में भौकाल आ जाता है। फैंस हर तरफ से बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं, वो चाहे प्रभास के फैंस हो या किसी अन्य एक्टर्स के। फैंस का क्रेज अपने पसंदीदा सितारों के लिए नेक्स्ट लेवल का होता है। और अब हम वापस से सॉन्ग के टीजर पर आ जाते हैं और आपको बड़े विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या क्या दिख रहा है इस रोमांटिक टीजर में। दरअसल ये टीजर राधे श्याम के रोमांटिक गाने आशिकी आ गई का है, जिसमें प्रभास और पूजा हेगड़े की शानदार झलक देखने को मिलती है। वीडियो की शुरुआत में हरी भरी वादियां दिखती हैं जहां से होकर ट्रेन गुजरती है, फिर तेज बारिश की बूंदों में प्रभास अपनी बुलेट से टिके नजर आते हैं जिनकी निगाहें अपनी गर्लफ्रेंड पूजा पर टिकी होती हैं। फिर वो दोनों समंदर की लहरों के बीच जिसमें एक दूजे संग रोमांस करते नजर आते हैं, जिसमें प्रभास को स्टार पूजा हेगड़े को पायल पहनाते देखे जाते हैं। वीडियो में प्रभास काफी डैशिंग और पूजा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। मतलब दर्शकों के लिए सॉन्ग टीजर में भरपूर मात्रा में रोमांस भरा पड़ा है। ये मोस्ट अवेटेड फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होगी, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री भी नजर आने वाली हैं। वो इस फिल्म में प्रभास की माँ का किरदार निभाएंगी, जिसकी उन्होंने एक झलक अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। आशिकी आ गई का पूरा गाना 1 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी और इस फिल्म का सॉन्ग टीजर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।